जी अस्सलाम वालेकुम खौतिन हज़रात, आज है जी अक्टूबर की 16, 2022 और दिन है आज संडे का। दो तीन खबरें थी, एक तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो तो ज़ाहिर है जो इलेक्शन हुए हैं, ज़मीनी इलेक्शंस, जब 7 सीटों पे खान साहब खड़े थे तो 81 सीट के अलावा उन्होंने सही क्लीन स्वीप की है, तो बाकी तो सब ठीक है, ज़िल्लत तो सबकी हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया है ज़िल्लत का वो आबद शेर अली का, ये वही है ना गधा जो कहता था फटीचर हो तुम तो ये है तो वो है, तो इसके साथ ठीक हुई है, इन गधों के साथ ऐसे ही होनी चाहिए। तो बाकी तो जो रिज़ल्ट है वो तो एक्सपेक्टेड था, खान साहब जहाँ खड़े होंगे तो खान साहब को हराना तो इतना आसान काम नहीं है। जो एक आधी सीट जो शाह महमूद साहब की जो बेटी वो बहरहाल सारे कह रहे थे कि ये फैसला ही गलत है, ये जो आपकी मरूसी सियासत है बेटों बेटियों की, ये नून को और ये जरदारी वालों को ही सूट करती है, पीटीआई को ये सही नहीं है, वो उनके हैं दादे बेटे पोते सारे चलते रहते हैं, तो वो गलत फैसला था, तो वो आवाम ने उसको उनको वोट नहीं दिया। तो खैर, लेकिन फिर भी सबको पता लग गया होगा कि खान साहब को हराना, ट्विटर आजकल बड़ा मज़े का चल रहा है, जितने भी हैं नून लीग के ये जो फोर्स है इनकी मीडिया की, मैंने देखा था इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी पोस्टें हो रही थी कि जी वो आएगा तो वोट नवाज का तो ये है तो वो है, शेर पे मोहर लगाएं, बड़ी पोस्टें कर रहे थे, अब सब चुप बैठे हुए हैं, अब कोई पोस्ट नहीं कर रहा, अब पोस्ट करने की हमारी बारी है, तो खासा जलील किया उनको ट्विटर पे, और करते रहेंगे एक दो दिन, उसके बाद कोई नहीं खबर आ जाएगी। तो चले मुबारक हो पूरी कौम को, वैसे तो ये मतलब ज़ाहिर है खान ने असम्बली में तो नहीं जाना, ये तो सिंबॉलिक था एक लिहाज से कि पता लग गया होगा जो बड़े लोग हैं, बड़े ईवानों के जो बड़े लोग हैं जिन्होंने फैसले करने हैं, उन्होंने देख लिया होगा कि खान साहब को हराना, ये जहन में रहे कि खान वर्सेस 13 पार्टियां थी ये, तो सब ने 13 पार्टीज मिल के भी खान के पास भी नहीं है, देखो तो ना मुकाबला टफ हो ऐसा कुछ नहीं है, तो जब ये इलेक्शन होंगे प्रॉपर, जब ये अपनी अपनी जगह खड़े होंगे अपनी अपनी सीट पे, तो फिर सोचें इनको क्या मिलता है। जो MQM है वो तो इस इलेक्शन में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, कराची से खान साहब ने उनको बिल्कुल ही मतलब फारग कर दिया, नून लीग भी फारग होगी, बस PPP है मुल्तान से जो सीट ली उन्होंने और कराची से शायद को सीट ली है, तो बहरहाल तो ये उनको पता लग गया होगा कि ये जो है अब इलेक्शन करवाएं। मैं सारे कह रहे थे कि इन ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है खान साहब फैसला करेंगे लॉन्ग मार्च का, करनी है नहीं करनी, खान साहब डिले कर रहे हैं किसी वजह से, जो वजह भी है बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, तो मे बी वो कह रहे हों कि खाम खा इतना बड़ा इन्फ्लक्स जो है करने से बेहतर है कि हम ऐसे ही मान जाएं जो अरबाब है, ऐसे ही उनको थोड़ी शर्म आ जाए और कहें हाँ ठीक है यार इलेक्शन कराओ और जान छुड़ाओ खान साहब से। सुनने में आ रहा है कि खान साहब इलेक्शन के बाद बड़े लोगों ने, जो बड़े लोग हैं हमारे, उन्होंने फ़ोन शून किए हैं खान साहब को और बातें चल रही हैं, अब क्या बातें चल रही हैं पता लग जाएगा। बहरहाल तो चले मुबारक हो जी वाम को, था तो एक्सपेक्टेड, लेकिन बहरहाल जब रिज़ल्ट आता है तो ज़्यादा फिर वो सही लगता है कि इनके ऑथेंटिक हो गया, और सुनने में आ रहा है कि अब नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने फैसला कर लिया वापस नहीं आएंगे वो पाकिस्तान फ़िलहाल, क्योंकि जो उनको छितर पड़े हैं इस इलेक्शन में, ठीक ठाक छितर भी पड़े हैं, इमरान खान के बल्ले भी पड़े हैं, और अब वो बाहर रहेंगे, और उन्होंने मरियम नवाज़ को भी कहा कि तुम भी अब वापस नहीं जाओगी जब तक ये लॉन्ग मार्च का पूरा ख़त्म नहीं होता, तो बेसिकली इन्होंने बाहर ही भागना होता है सब ने, अब उन्होंने बाहर अड्डा लगा लिया, अब वहाँ बैठ के ये सो कॉल्ड शेर जो हैं हमारे गधे, अब वहाँ से फैसले करेंगे ये जितने ये चोर हैं, तो ये हमारी लीडरशिप है नून लीग की, सारे शहबाज शरीफ को यहाँ छोड़ दिया पाकिस्तान में जलीलों ने, और वो खूब जलील हो रहा है, और ख़ुद ये जो है ना बड़े भाई मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब बड़ा चोर, ये अपनी बेटी को वहाँ ले गया है, बेटे इसके ऑलरेडी बाहर हैं, तो ये पूरी फैमिली बाहर बैठी हुई है, यहाँ बस अभी इन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया है, तू ज़रा अच्छा जलील हो ज़रा, तो ये हैं, और जो उनके पीछे जो पटवारी हैं उनके लिए ये शेर है, इनको शर्म या नहीं है किसी किस्म की। तो बहरहाल इस वीलॉग को मैं लंबा नहीं करता, तो अगेन बहुत मुबारक हो खान साहब की जो लैंडस्लाइड
विक्ट्री है। अब देखते हैं जो मेन जो मेजर इलेक्शन जो बड़े इलेक्शन हैं जो असल इलेक्शन हैं वो कब अनाउंस होते हैं, तो उसके बाद फिर पता लगेगा खान साहब का क्या बनता है और बाकी क्या बनता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।